देखने वालों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो साथियों, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था और बहुत सारे शिक्षक साथियों को अभी भी कॉलम नंबर, ये जो परिवार आप देख रहे हैं, मकान सूची है, संक्षिप्त मकान सूची है, ये आप देख रहे हैं संक्षिप्त मकान सूची है। इस संक्षिप्त मकान सूची आप देख रहे हैं, इस संक्षिप्त मकान सूची में अभी भी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों को ये कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर आपको ये हो गया 5 और कॉलम नंबर 8, इसमें अभी भी समझने में जो है कुछ कठिनाइयां हैं और कुछ कंफ्यूजन है। तो इसी को लेकर के जो है मैं मतलब आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको ये पूरे तौर से क्लियर हो जाएगा कि कॉलम नंबर 3 में जो कि मकान संख्या है, कॉलम नंबर 5 जो कि परिवार संख्या है और कॉलम नंबर 8 जो कि परिवार क्रम संख्या है। बात आप समझ लीजिए, कॉलम 3 मकान संख्या, 5 परिवार संख्या और 8 हो गया आपको परिवार क्रम संख्या। इसको पूरे तौर से आपको अभी अभी आप थोड़ा सा संयम रखें और चित्त को शांत करके इसे देखें। इसमें हम पूरे तौर से प्रयास करेंगे इसको जो है समझाने की और उम्मीद है कि आपको भी पूरे तौर से समझ में ये आएगा। आइए हम चलते हैं, एक एक करके जो है इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, इस ग्राफ को। 8 जो है कॉलम वो परिवार का क्रम संख्या है। परिवार क्रम संख्या क्या होता है वो आप समझिए। मान लीजिए एक भवन है, एक भवन में 2 मकान है, 2 मकान में 3 परिवार है। भवन नंबर किसी भी नंबर, आप कोई भी नंबर मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 1 में 2 मकान है तो मकान का जो आपको संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 001, 002, फिर 002। तो 001 मकान में 1 परिवार है, 002 में 2 परिवार है। तो 2 परिवार है तो अब इसका क्रम संख्या में पहले का हो जाएगा 1 जो मतलब इसमें है, फिर दूसरे में हो जाएगा 1 और 2, दूसरे में हो जाएगा 1 और 2। तो इसको आप अभी हम तुरंत क्लियर करेंगे। और कॉलम 5 में परिवार का संख्या है, तो कॉलम 5 में जब आप आएंगे तो जैसे अभी हम उदाहरण दे रहे थे, भवन जो है वो 1 हुआ, मकान जो है 1 हुआ, एक हुआ तो परिवार का संख्या यहाँ हो जाएगा 1, फिर दूसरे वाले में जो है और परिवार का संख्या यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है, अभी समझेंगे। कॉलम 1 क्रम हो गया, 1 से लेकर के जहां तक आप जाएंगे वहां तक जो है क्रम हो जाएगा, ये क्रम 1 हो गया। भवन का संख्या, कॉलम 2 में भवन का संख्या भरा है, इसमें भवन जो है जैसे 1 भवन है, 2 भवन है, 3 भवन है, 4 भवन है, ये भवन हो जाएगा। फिर अब आइए मकान का संख्या भरा है, इसमें जो है एक भवन में जो मकान होगा उस मकान को लेंगे, लेकिन आवासीय मकान को लेंगे, जिस मकान में कोई नहीं रहता है उसको हम मकान संख्या में नहीं लेंगे। कॉलम 4 में परिवार संख्या भरा है, तो मैंने अभी बताया 1 मकान में 1 है तो परिवार संख्या 1 होगा, 1 मकान में 2 है तो परिवार संख्या 2 हो जाएगा। परिवार के मुखिया का नाम भरा है, इजी है। परिवार में कुल सदस्य की संख्या भरा है, इजी है। दौरे की तिथि भरा है, इजी है। परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करना है। चलिए अब हम इसको, इस तीनों कॉलम को समझते हैं उदाहरण के साथ। ये देखिए आपको एक भवन में, इसको आपको याद रखना है, एक भवन में एक गन्ना मकान है, एक भवन में एक गन्ना मकान है जिसमें एक परिवार रहता है। ये एक भवन हो गया, ये एक गन्ना मकान हो गया, ये परिवार हो गया, कितना परिवार, एक परिवार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये आपको परिवार का संकेत है। चलिए ये भवन 1 हो गया, ये भवन आपका 2 हो गया, याद रखेंगे आप, ये भवन आपको 2 हो गया। इस भवन में 3 कमरे हैं, देखिए जबकि गन्ना, ये एक भवन 3 कमरे 2 परिवार हैं, इसमें भवन की संख्या मात्र 1 है जबकि गन्ना मकान की संख्या 2 है। मकान संख्या 2 में 2 कमरे हैं जिसमें एक परिवार निवास करता है तथा मकान संख्या 3 में 1 कमरे हैं और एक परिवार रहता है। क्या मतलब, मतलब ये कि यहाँ पे इस भवन में 2 मकान है,
तो मकान संख्या दो में दो कमरे हैं लेकिन एक परिवार वास करता है, और मकान संख्या 003 में एक कमरे हैं, एक आपको परिवार वास करता है। तो इस भवन में जो है मकान संख्या एक ही लिया जाएगा, एक नहीं लिया जाएगा जिसमें नहीं रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण परिवेक्ष में एक भवन में दो गन्ना मकान है, मकान संख्या 4। अच्छा ये चीज आप पाते जाइए, ये हो गया आपको भवन, ये मकान हो गया, तो ये मकान हो गया आपको 002, और ये मकान हो गया 003, ये मकान हो गया 004, ये मकान हो गया 005। तो 004 मकान में भी एक परिवार है, लेकिन 005 मकान में क्या है, दो परिवार है। अब आपको याद रखना है एक चीज, एक बार और फिर बताते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक भवन एक मकान एक परिवार, एक भवन दो मकान दो ही मकान, हम कहेंगे एक मकान का हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो दो मकान दो परिवार। एक भवन दो मकान तीन परिवार, एक भवन दो मकान तीन परिवार, मकान नंबर 005 में दो परिवार है, ये याद रखना है। शहरी क्षेत्र में जो आपको एक भवन और 6 मकान और 6 परिवार। चलिए अब आगे आइए भरने में, क्लियर होते जाइए। ये जो हो गया वो एक भवन हुआ, बी जो है दो भवन हुआ, सी जो है तीन भवन हुआ, डी जो है 4 भवन हुआ। ए में कितना मकान है, एक मकान है, और बी में कितना मकान है, दो मकान है, सी में कितना मकान है, तीन मकान है, तीन मकान नहीं, सी में जरा से एक सेकेंड, ए बी सी, सी में दो ही मकान है लेकिन परिवार तीन है, सी में दो ही मकान है और परिवार, सी में दो ही मकान है और तीन परिवार है, मकान कितना है इसमें दो लेकिन परिवार ये तीन, तो तीसरे वाले का भी वही सीरियल आ जाएगा जो मकान संख्या 5 है, यही मकान संख्या 5 इसमें भी आ जाएगा और परिवार इसमें एक बढ़ा है। और भवन 4 में यानी डी भवन में कितना, 6 मकान 6 परिवार। अब आइए, ये तो आपको मकान संख्या क्लियर हो गया, परिवार संख्या में आइए। भवन एक मकान एक एक परिवार, ठीक है, भवन दो मकान दो, एक मकान में एक परिवार, दूसरे मकान में एक परिवार, फिर जो है भवन सी में या तीसरे भवन में क्या, एक मकान, भवन जो है एक भवन और मकान कितना दो, परिवार कितना एक, इसमें परिवार कितना दो, ये चीज मेन था आपको, कि बहुत सारे हमारे साथी जो है यही कंफ्यूज कर जाते थे कि दो मकान है और उसमें दो परिवार है, तो हम जो है क्या करते थे, दोनों में दो, मतलब एक में दो कर दे करके एक में ऐसे खाली छोड़ देते थे या यहाँ डैश दे देते थे, नहीं बल्कि दो ही होगा, फिर उसके बाद बाकी एक मकान एक। अब आइए क्रमांक में, क्रमांक में जहां एक होगा तो एक 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 हो जाएगा, एक मकान में दो रहेगा तो एक का एक होगा, एक का दो होगा, तो ये है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कहीं समस्या हो तो आप फाइनल आपका जो ट्रेनर महोदय है, जो फील्ड ट्रेनर है या फिर जो संबंधित पदाधिकारी है उसके बात को फाइनल मानेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप सब लोग देखे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।